अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैंने पार्ट वन और पार्ट टू वीडियो बनाया है, शायद आपने देख ही लिया होगा कि मुझे किडनी डिसीज़ कैसे हुआ है, कॉलेज जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे कैसे किडनी डिसीज़ हुआ था, ये सब कुछ बताया है मैंने। और मेरी किडनी किसी से भी मैच नहीं कर रही थी और मेरी मदर देने के लिए रेडी थी। और इस वीडियो में बताऊँगी कि मुझे किडनी ट्रांसप्लांट कैसे हुआ, किसने दिया मुझे किडनी, किससे मैच हुई, ये सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगी मैं आप सबको। मेरी किडनी किसी से भी मैच नहीं कर रही थी, तब हम लोगों ने बहुत ज़्यादा टेंशन ले लिया था। मेरी मदर देने के लिए रेडी थी, लेकिन मेरी मदर का ए भी पॉजिटिव था, लेकिन मेरा ए पॉजिटिव, लेकिन उनकी किडनी मुझसे मैच ही नहीं कर रही थी, तो बहुत ज़्यादा टेंशन ले लिया था हमने। मेरे एक फूफू थे, वो भी मुझे किडनी देने के लिए रेडी हो गए थे। उन्होंने भी आके डॉक्टर के पास चेकअप करवाया, उनका भी सेम ए पॉजिटिव था, लेकिन उन्हें बीपी थी, ब्लड प्रेशर होने की वजह से किडनी नहीं ले सकते, डॉक्टर ने मना कर दिया कि किडनी नहीं ले सकते। और मेरे चाचा भी देने के लिए किडनी रेडी हो गए थे, उनका भी सेम ए पॉजिटिव था, डॉक्टर ने सारे टेस्ट करवाए, लेकिन उन्हें भी ब्लड प्रेशर होने की वजह से डॉक्टर ने मना कर दिया कि किडनी नहीं ले सकते। सिर्फ और सिर्फ उनकी ले सकते हैं जिनका ब्लड प्रेशर नहीं है, शुगर नहीं है, जो सब कुछ रिपोर्ट्स नॉर्मल है, सिर्फ और सिर्फ वही किडनी दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकते। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, कि मेरी किडनी किसी से मैच भी नहीं कर रही थी, और उस हॉस्पिटल में जो फैमिली होता है उन्हीं की किडनी ले सकते हैं। डॉक्टर ने कह दिया था कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फैमिली वालों का ही ऑपरेशन करते हैं, जो फैमिली वाले देते हैं किडनी वही ऑपरेशन करते हैं, अगर बाहर वाले आकर किडनी कोई देंगे तो वो नहीं ले सकते। तो हमें बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि फैमिली वाले किसी की भी मैच नहीं कर रही थी, कैसे हम किडनी ट्रांसप्लांट करवाएं, कैसे। ऐसे ही वीकली थ्राइस डायलिसिस चलता रहा मेरा। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी डायलिसिस में मुझे, बहुत ज़्यादा मैं बता नहीं सकती थी कि डायलिसिस में इतना बीपी लो हो जाता था मेरा कि टोटल फोर हावर्स लगते थे डायलिसिस के लिए, लेकिन मुश्किल से सिर्फ और सिर्फ 3 hours रहती थी। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, बीपी लो होने लगता था और बैक साइड जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी मुझे। ऐसे ही चलता रहा, वक्त गुजरता रहा, और फिर अचानक से मेरे ग्रैंडफादर का कॉल आया। उन्होंने कहा कि मेरा भी ब्लड ग्रुप सेम है, वो किडनी मुझे देना चाहते हैं। हमने उनके बारे में सोचा भी नहीं था, क्योंकि उनकी एज तब शायद 64 के करीब थी, इसलिए हमने सोचा कि शायद उनकी नहीं ले सकते। हमने सोचा भी नहीं था कि ग्रैंडफादर की हम किडनी लेंगी, लेकिन उन्होंने खुद जाके ब्लड टेस्ट करवाया कि उनका ग्रुप कौन सा है, जाके टेस्ट करवाया, फिर आके हमें कह दिया कि मैं ही किडनी दूंगा। मेरी मदर ने जाके डॉक्टर से कहा कि उनकी एज 64 है, ग्रैंडफादर उन्हें वो किडनी देना चाहते हैं, उन्हें ब्लड प्रेशर और बीपी कोई प्रॉब्लम नहीं है उन्हें। तो डॉक्टर ने कहा तो लेके आइए, एक बार टेस्ट करवा के देख लेते हैं सब कुछ, अगर नॉर्मल हुआ तो आराम से किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है। इसलिए मेरे ग्रैंडफादर हॉस्पिटल में आए, डॉक्टर ने सारे चेकअप किए सारे, और सब कुछ नॉर्मल आया, सब कुछ, किसी की भी मैच नहीं कर रही थी, सिर्फ और सिर्फ ग्रैंडफादर की किडनी मैच किया मुझसे, सिर्फ और सिर्फ उनकी। और सारे टेस्ट करवाए, डॉक्टर ने कहा कि जो डोनर होते हैं सबसे पहले वो ठीक होना चाहिए, उनकी सेहत इम्पॉर्टेंट है और बाद मेरी इम्पॉर्टेंट है। तो सारे टेस्ट करवा दिया, उनके हर एक टेस्ट करवाया, सब कुछ नॉर्मल आया। मेरे ग्रैंडफादर की किडनीज दोनों कितना वर्क कर रही है वो भी टेस्ट करवाते हैं किडनी डोनर्स को, वो भी करवाया उन्होंने, और सब कुछ नॉर्मल आया। और सारे रिपोर्ट्स देखने के बाद डॉक्टर ने कहा कि परफेक्ट मैच हो रहा है, किडनी परफेक्ट मैचिंग हो रही है, आराम से आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो हम सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए, इतना ज़्यादा खुश हुए कि मैं बता नहीं सकती कि मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे सेकेंड लाइफ दिया, मुझे मैं भरोसा ही नहीं कर सकती। मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि वहाँ से लेकर यहाँ आ गई मैं यहाँ, और आज मेरी तबीयत बहुत अच्छी है, आज मैं परफेक्ट हूँ। अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ इंशाल्लाह, सब हर एक जो हॉस्पिटल में इंसान है उन सब की सेहत अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह, लेकिन भरोसा मत छोड़िए प्लीज़। अल्लाह के ऊपर जो भरोसा रखेगा वही आगे जाकर जीतेगा, अल्लाह के ऊपर हमेशा भरोसा रखना चाहिए।
और मेरे ग्रैंडफादर को सब लोगों ने बहुत डराया कि मत दीजिए किडनी, मत दीजिए, क्योंकि उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो गया तो क्या होगा, मत दीजिए। ग्रैंडफादर के फ्रेंड्स जो हैं उन्होंने भी कहा मत दीजिए, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर ने थोड़ी सी भी इतनी भी बात नहीं सुनी, किसी की भी बात नहीं सुनी, सिर्फ मेरे लिए सोचा उन्होंने कि चाहे कुछ भी हो जाए किडनी तो दे के ही रहूँगा मैं, ऐसे ही कहा था उन्होंने। लेकिन इतनी उम्र में 64 ईयर्स में कोई भी इंसान इतना सब नहीं सोचता जितना मेरे ग्रैंडफादर ने सोचा मेरे लिए। सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे, डॉक्टर भी हैरान थे, लेकिन इतनी उम्र में परफेक्ट मैचिंग हुआ, किसी की भी मैच नहीं कर रही थी, मेरी मदर की भी मैचिंग नहीं कर रही थी और मेरी किडनी सिर्फ और सिर्फ ग्रैंडफादर से मैचिंग की। डॉक्टर ने भी बहुत ज़्यादा खुश हुए थे और सारे पेपर्स सब रेडी हो गए थे ऑपरेशन के लिए, और उसके बाद मेरा ट्रांसप्लांट कर दिया। ट्रांसप्लांट के टाइम भी मेरे ग्रैंडफादर ने भी बहुत ज़्यादा तकलीफ सही है, जितना भी मैं उनका शुक्रिया अदा करूँ बहुत ज़्यादा कम है। थैंक यू सो मच टू माय ग्रैंडफादर। मेरे फैमिली वालों ने भी बहुत साथ दिया मेरा। जो कोई भी इस बीमारी से गुजर रहा है प्लीज़ वो लोग टेंशन मत लें, प्लीज़ सब कुछ ठीक हो जाएगा, टेंशन लेने की बात ही नहीं है। अगर किडनी मिल गई है बाहर वालों से या घर वालों से मैचिंग हो गई है तो आराम से ऑपरेशन करवाइए, प्लीज़ घबराइए मत, प्लीज़ आराम से ऑपरेशन करवाइए, प्लीज़ डरिए मत, कुछ नहीं होगा, ऑपरेशन के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल लाइफ हो ही जाएगी। हाँ थोड़ा डाइट फॉलो करना पड़ता है, लेकिन तबीयत तो बहुत अच्छी रहती है, आराम से आप ऑपरेशन करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से आप ऑपरेशन के बाद नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं आराम से, और जो डोनर होते हैं वो भी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, और जो किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है वो लोग भी आराम से जी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मेरे साथ हुआ है वही शेयर कर रही हूँ मैं, प्लीज़ घबराइए मत। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है जाके सबसे पहले डॉक्टर को दिखाइए। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि जो लोग हॉस्पिटल में हैं, जो लोग किडनी ट्रांसप्लांट के लिए रेडी हो रहे हैं, वो सब लोग इस वीडियो को देखकर थोड़ी सी हिम्मत मिले, ताकि उन्हें डर ना लगे, आराम से किडनी ट्रांसप्लांट करवाए, यही मेरी इच्छा है और कुछ नहीं इस वीडियो के पीछे। प्लीज़ आप सब लोग वीडियो देखिए और दूसरों को शेयर कीजिए। जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है प्लीज़ दूसरों को वीडियो शेयर कीजिए, किसे पता ये इस वीडियो की दूसरों को ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और प्लीज़ ट्रांसप्लांट को मत घबराइए, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस पूछना है तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आराम से मैसेज लिख के भेज सकते हैं, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई कर दूँगी। अगर आपको डॉक्टर्स का एड्रेस चाहिए, मैंने कौन से डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, मैंने किस हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाया था और किसके पास मैं अब चेकअप करवा रही हूँ, ये सब कुछ आप सब लोग जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप सब मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप सब लोग मुझे प्यार देंगे तभी तो मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊँगी। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।